सभी को नमस्कार। मैं इंदु आर्य, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दुर्खीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में। दुर्खीम ने जो श्रम विभाजन का सिद्धांत बताया है, उसमें श्रम विभाजन के परिणाम के रूप में चार बिंदुओं को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, विशेषीकरण, प्रतियोगिता, कार्य का महत्व और पारस्परिक निर्भरता। आज हम पांचवें बिंदु से शुरू करेंगे। पांचवा बिंदु दुर्खीम ने बताया है सहयोग। दुर्खीम सहयोग को श्रम विभाजन के लिए एक आवश्यक परिणाम के रूप में देखते हैं। समाज में जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर निर्भर रहने लगता है, तब वह एक दूसरे को सहयोग देने लगते हैं। इसका तात्पर्य है कि श्रम विभाजन की दशा में यदि सहयोग की भावना का विकास नहीं होगा, तो समाज में किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकेगा। अर्थात श्रम विभाजन की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दूसरों को सहयोग देना और उनसे सहयोग प्राप्त करना व्यक्तियों की आवश्यकता बन जाती है। इसके साथ ही श्रम विभाजन के अंतर्गत जिस सहयोग में वृद्धि होती है, वह हित प्रधान तथा तार्किक संबंधों पर आधारित होता है। तार्किक संबंधों पर आधारित सहयोग ही समाज को सामाजिक एकता की ओर ले जाता है। छठा बिंदु हमारा है व्यक्तिवाद। समाज में श्रम विभाजन से विशेषीकरण में वृद्धि होती है तथा विशेषीकरण के प्रभाव से व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मिलता है। इस व्यक्तिवाद का संबंध वैयक्तिक कार्य के महत्व से है। अर्थात श्रम विभाजन के कारण व्यक्ति जब एक विशेष कार्य में अधिक निपुण हो जाता है, तो एक विशेष कार्य को करने वाला व्यक्ति अपने कार्य को समझने लगता है और यही बोध उसमें व्यक्तिवादी भावनाएं विकसित करता है। जैसे मान लीजिए हम भारतीय समाज का उदाहरण दें, तो भारतीय समाज में अनेक निम्न जातियां परंपरागत रूप से कुछ व्यवसाय करती रही हैं, लेकिन वर्तमान भारतीय समाज में श्रम विभाजन बढ़ने से मृत पशुओं को उठाने का काम करने वाली जातियां भी अपने कार्य के महत्व को समझने लगी हैं। और इसी महत्व को समझने के कारण ये जातियां अधिक संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने लगी हैं। साधारणतया इस कार्य को उनके अतिरिक्त अन्य वर्गों के लोग नहीं करते हैं और यही कार्य या इसी प्रकार के कार्य से व्यक्तिवाद उत्पन्न होने लगता है। दुर्खीम ने यह भी स्पष्ट किया कि श्रम विभाजन व्यक्तिवाद को अवश्य बढ़ाता है, लेकिन यह व्यक्तिवाद पूरी तरह अहमवादी अथवा सुखवादी नहीं होता है। ऐसा व्यक्तिवाद सामाजिक स्वास्थ्य और सामाजिक एकता में वृद्धि करके सामाजिक जीवन को संगठित बनाने में योगदान देता है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है वर्ग संघर्ष। दुर्खीम ने श्रम विभाजन से उत्पन्न होने वाले परिणाम में इसके दुष्प्रभावों की भी चर्चा की है और वर्ग संघर्ष तथा सामाजिक विघटन श्रम विभाजन के एक प्रमुख दुष्प्रभाव के रूप में माने जाते हैं। श्रम विभाजन से न केवल व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि प्रत्येक वर्ग के लोग अपने कार्य के महत्व को समझने के कारण अन्य वर्गों के प्रति अनुदार होने लगते हैं। यह दशा समाज में अनेक ऐसे वर्गों को बना देती है जो स्वयं को एक दूसरे से पृथक समझने लगते हैं। और इस प्रकार जब सभी व्यक्ति या वर्ग अपने आप को अलग अलग समझने लगते हैं, तो उनके बीच सहयोग के स्थान पर संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और अक्सर इसकी परिणति सामाजिक विघटन के रूप में देखने को मिलती है। यह सच है कि वर्ग संघर्ष से समाज अधिक गतिशील बन जाता है,
लेकिन ऐसी गतिशीलता हमेशा रचनात्मक नहीं होती। श्रम विभाजन के उपर्युक्त सामाजिक सिद्धांत के द्वारा दुर्खीम ने यह निष्कर्ष दिया कि श्रम विभाजन एक स्थिर दशा नहीं है, बल्कि अपनी प्रकृति से परिवर्तनशील होने के कारण यह सामाजिक विकास के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट करती है। यह सच है कि श्रम विभाजन के कारण अस्तित्व के लिए होने वाला संघर्ष कुछ कठिन जरूर है, लेकिन श्रम विभाजन में होने वाली प्रत्येक वृद्धि लोगों की पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाकर सामाजिक एकता में वृद्धि करता है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक विभेदीकरण की एक प्रक्रिया के रूप में श्रम विभाजन के सामाजिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार दुर्खीम ने सामाजिक विभेदीकरण को समझाते हुए श्रम विभाजन के ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं श्रम विभाजन के इस सिद्धांत की आलोचना को। दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक एकता एवं श्रम विभाजन से संबंधित सिद्धांत निश्चित रूप से एक नवीन दृष्टिकोण पर आधारित हैं। दुर्खीम से पहले विभिन्न समाजशास्त्रियों ने श्रम विभाजन की अवधारणा को केवल आर्थिक आधार पर प्रस्तुत किया था। दुर्खीम वह पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने श्रम विभाजन के सामाजिक पक्ष को स्पष्ट किया। दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक एकता तथा श्रम विभाजन की अवधारणा का अगर हम मूल्यांकन करें तो यह स्पष्ट होता है कि इन अवधारणाओं में एक और सामूहिक चेतना पर आवश्यकता से अधिक बल दे दिया गया है, जबकि दूसरी ओर दुर्खीम यह मानते हैं कि श्रम विभाजन अनिवार्य रूप से जनसंख्या वृद्धि का ही परिणाम है। इस संबंध में समाजशास्त्री बांस ने लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्खीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत में समाजशास्त्रीय आधार की अपेक्षा जैविकी आधार को अधिक महत्वपूर्ण मान लिया गया है, क्योंकि दुर्खीम ने जनसंख्या वृद्धि पर श्रम विभाजन का परिणाम होना बताया है। दुर्खीम ने यह बताया है कि श्रम विभाजन का जो महत्वपूर्ण परिणाम है, या श्रम विभाजन जो है वो जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप समाज में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसको हम जैविकी आधार के रूप में देखते हैं। दुर्खीम के विश्लेषण की वैज्ञानिकता इससे कम हो जाती है, क्योंकि दुर्खीम का निष्कर्ष भी संदेहपूर्ण है कि श्रम विभाजन का एक आवश्यक प्रकार ये सामाजिक एकता में वृद्धि करना है। अनेक दशाओं में श्रम विभाजन बढ़ने के साथ साथ सामाजिक एकता में भी हमें कमी दिखाई देने लगती है। इसका तात्पर्य है कि दुर्खीम ने अनेक ऐसे सामाजिक कारकों की अवहेलना की है जो सामाजिक एकता को अनुकूल अथवा प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।